पानी बिजली का संकट खत्म करो, आवाज दो। कोई मीटर नहीं देखता, कोई मीटर चल नहीं रहा, कोई टीकाकार हमने जो इशारा दिया है नहीं तो हम इसके मूवमेंट को और आगे ले जाएंगे और हमें चाहे भूख हड़ताल मरण पर तक भी करने पड़े तो हम करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को इज्जत दिलवाएंगे। धन्यवाद, चुपके से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रदर्शन जो है सिर्फ एक मांग को नहीं बल्कि काफी ज्यादा बातों को लेकर है। फार्मर्स की बात करें उसके बारे में इनकी ओर से बात की गई है, पानी की बात करें, बिजली की बात करें जो लगातार जो है उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, इस बारे में इनकी ओर से बातचीत की गई है और लगातार एक आम आदमी को जितनी परेशानी आ रही है उसके बारे में इनसे बातचीत की गई है। साफ तौर से जब मैंने आपको इनकी बात सुनाई, आपने पीछे जो है बैनर देखा होगा कि टोल प्लाजा जो है बंद करो। अगर बात करूँ मैं पंजाब की तो पंजाब में हर जगह जो है इस समय टोल प्लाजा बंद है क्योंकि जब से फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हुआ है तो हर टोल प्लाजा को जो है वो बंद किया गया है। लेकिन अगर जम्मू की बात करूँ तो जम्मू से अगर आपको पंजाब जाना होता है तो पठानकोट तक जो है वो जितने भी टोल आते हैं या बंद टोल की बात करूँ मैं तो वो टोल का टैक्स जो है वो व्यक्तियों को देना ही पड़ता है। तो इनकी ओर से ये कहा गया है कि टोल टैक्स जो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं टोल टैक्स जो पे करने पड़ते हैं एक आम आदमी को, अगर कोई डेली अप डाउन करता है वहाँ से तो उसको भी प्रॉब्लम आती है कि उसको डेली जो है वो टैक्स देना पड़ता है। अगर कोई आम इंसान है जिसको पानी और बिजली महंगी हो रही है, आम इंसान किस प्रकार से उसके बिल दे पाएगा क्योंकि बिजली प्राइवेट
पानी ऐसे प्राइवेट हो रहा है, तो आम इंसान के लिए जितनी भी बातें होती हैं इनकी ओर से की गई हैं और इन्होंने इतनी भी चीज़ रखी है कि सरकार इन बातों को सुने, क्योंकि ये एक व्यक्ति की नहीं, दो व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे जितने भी लोग हैं, सारे आम आदमी जितने भी हैं, जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उन सभी की ये बात जो है वो रखी गई है। तो प्रदर्शन मैंने आपको दिखाया, ये प्रेस क्लब के बाहर हो रहा है और जिसमें बहुत सी बातें जो है वो की गई, और ये भी इनका बैनर देखा गया है कि लोकमन जो है वो सूबा जम्मू, यानी कि एक आम आदमी की बातचीत जो है यहाँ की गई। और साफ तौर से आपने विजुअल्स भी देखे और आपने इनकी बात भी सुनी थी, इस प्रकार से इस प्रदर्शन में इनकी ओर से बातें जो हैं वो रखी गई। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें, और ऐसे जुड़ रहे हैं बाहु एक्सप्रेस के साथ।